सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे टूल्स के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स और कौन से टूल्स आपको यूज़ करना चाहिए एज ए बिगनर्स। और बिगनर्स को ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं होता है टूल्स के बारे में, तो स्केचिंग के रिलेटेड हम बात करेंगे। तो स्केचिंग में मेन इंपॉर्टेंट है टूल्स, और टूल्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेंसिल और पेपर। बिगनर को यही चाहिए मेनली। तो चलो देखते हैं क्या क्या आपको यूज़ करना चाहिए। और 100 100 रुपीज़ आप सब परचेस कर सकते हो, और एक्स्ट्रा अगर दोगे तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो 100 रुपीज़ इज मिनिमम फॉर एवरी बिगिनर्स। तो लेट्स गो। तो अगर पेंसिल की बात करें तो मैं ये दो ब्रांड का पेंसिल यूज़ करता हूँ, एक है आर्टलाइन और एक है कैमलिन का, और एक अप्सरा का भी आता है। इसमें अगर आपको मैं रिकमेंड करूँ तो आप आर्टलाइन भी खरीद सकते हो, इसको भी खरीद सकते हो, इन दोनों का प्राइस लगभग इक्वल है। तो आप ऑफलाइन जाके ही खरीद कीजिए, और अगर ऑनलाइन जाओगे तो डिलीवरी चार्ज और एक्स्ट्रा पड़ जाएगा आपको। तो मेरी यही सलाह है, आप ऑफलाइन जाके कोई भी स्टेशनरी दुकान में जाओ, तो बोलो मुझे एक आर्टिस्टिक पेंसिल चाहिए डिफरेंट ग्रेड्स का, तो आपको दे देगा वो 45 रुपीज़, नहीं तो 40 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। तो अभी हम आते हैं पेपर के ऊपर, कौन से पेपर आपको यूज़ करना चाहिए फॉर नॉर्मल ड्राइंग। तो आप ऐसे कुछ पेपर, ऐसे कुछ ड्राइंग कॉपी ले ला सकते हैं। तो कुछ प्राइस है 35 रुपीज़, 40 पेज को 30 रुपीज़ पे ले सकता है, तो ये भी काफ़ी चीप है। तो आप इसको यूज़ करते हैं, इसका पेपर क्वालिटी बहुत अच्छा है, देख सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा रफ है लेकिन अच्छा है पेपर क्वालिटी इसका। ये तो गई आपकी नॉर्मल यूज़ के लिए, और अगर आप तो बिगिनर से, अभी आपका बहुत प्रैक्टिस करनी है और बहुत पेपर लगे, तो आपको कुछ इस तरह का पेपर खरीदना चाहिए। ये नॉर्मल प्रिंट पेपर, नहीं तो कोई भी नॉर्मल पेपर आप खरीद सकते हो, 100 शीट का आता है, 160 नहीं तो 150 दे सकते हैं आपको। पेपर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है इसकी, तो आप खरीद सकते हैं इसको। और भी ज़्यादा पेपर लाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो जो जेरॉक्स पेपर आता है उसका यूज़ कर सकते हैं आपके नॉर्मल ड्राइंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो क्या ये वाला के पेपर के बारे में, पेंसिल के साथ आपको कोई चारकोल पेंसिल या और कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। ग्रेफाइट पेंसिल के साथ आपको बस एक एक इरेजर और एक शार्पनर खरीदना है, बस ये शार्पनर साफ करने के लिए, और इसको यूज़ करेंगे आप हाइलाइट्स के लिए और भी डिफरेंट टाइप का यूज़ करने के लिए। तो ये वाला 3 रुपीज़ में, ये वाला भी वही 3 रुपीज़ 5 रुपीज़ में आ जाएगा आपके। अब तो अगर आप एक्स्ट्रा 15 रुपीज़, एक्स्ट्रा 25 रुपीज़ अगर यूज़ कर सकते हो, तो एक मैकेनिकल पेंसिल मैं रिकमेंड करूँगा, आप खरीद लीजिएगा, आपको प्रायर नॉलेज हो जाएगी कैसे इसको यूज़ करते हैं। इसमें ओनली इनमें और इनमें डिफरेंस ये है, इसमें लीड डलता है, इनको बोलना 0.5 mm का ले आना। ये वाला मेरा कैमलिन का है, आप इसको भी ले सकते हैं, 25 रुपीज़ का है, ये 15 रुपीज़ का, और इसका लीड 10 रुपीज़ का आ जाता है, इसको फ्री में ही मिलता है इसके साथ, इसके लिए इसीलिए इसको 25 लेते हैं। तो कुछ आपको इस तरह के टूल्स ही यूज़ करने हैं, और एक्स्ट्रा टूल कुछ यूज नहीं करना है आपको। तो आप अभी बिगिनर्स है तो आप अभी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, तो कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करने से ही आप ग्रो कर सकते हो। तो आपको बस इतना ही टूल यूज़ करना है, एक ग्राफाइट पेंसिल, मतलब एक पैकेट ग्राफाइट पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ड्राइंग कॉपी, और प्रैक्टिस के लिए, नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए आपको प्रिंट पेपर और जेरॉक्स पेपर लेके बस इतने में प्रैक्टिस हो जाएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट हम कितने किए, तो पहले ही बात हम ग्राफाइट पेंसिल एक हो गया 45 रुपीज़ का, और ड्राइंग कॉपी हो गया 30 रुपीज़ का, मतलब कुल मिला के हो गया 75 रुपीज़। उसके बाद इरेजर एक 3 रुपीज़ का, और शार्पनर एक 5 रुपीज़ का, तो इसको कुल मिला के हो गया हमारा 83 रुपीज़। और एक प्रैक्टिकल कॉपी, मतलब प्लेन प्रैक्टिकल कॉपी आता है, उसको भी आप खरीद सकते हैं फॉर डेली यूज़, जैसे मैंने बोला था जेरोक्स पेपर, वो भी जेरोक्स पेपर के जैसा ही है, तो हो गया 20 रुपीज़। तो कुल मिला के हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 103 रुपीज़, बस इतना ही है। तो बस आज के लिए इतना ही, आई होप आपको अच्छा लगा ये वीडियो, कुछ सीखने को मिला अगर, तो कीप प्रैक्टिसिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन को दबा दीजिएगा। ऐसे ही नए नए वीडियो आपको मैं देता रहूँगा। तो थैंक यू।